उधर मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। यहां तक कि सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित भी करना पड़ा। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने राज्य मंत्री संदीप सिंह और नू घटना को सब जुडिस बताते हुए इन दोनों मामलों पर चर्चा नहीं होने दी। इस बारे में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से खास बातचीत की चंडीगढ़ से हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। सत्र के दूसरे दिन आज सदन में क्यों हंगामा हुआ, विपक्ष और सत्ता पक्ष में क्यों नोकझोंक हुई, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि आज सदन में क्यों हंगामा हुआ है। जी, सदन में हमने दो काम रोको प्रस्ताव भेजे हुए हैं। एक तो है नू और ये जो कानून व्यवस्था के ऊपर जो जो हाल हुआ है हरियाणा के अंदर, और दूसरा जो है जो भेजा मैंने काम रोको प्रस्ताव, वो है बच्चों की बेरोजगारी के ऊपर। अब दोनों जो काम रोको प्रस्ताव हैं ये बहुत ही अहम हैं और ये हमारे बच्चों से संबंधित रखते हैं, हमारे कानून व्यवस्था से संबंधित रखते हैं, और इसको जो है लगने नहीं देना ये कहकर कि जो है ये मैटर कोर्ट में चल रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि जो कोर्ट में जो मैटर है वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पेसिफिक उसके ऊपर है, कानून व्यवस्था के ऊपर नहीं है पूरी तरह से। तो आज जो है 36 बिरादरी हरियाणा के अंदर जो है दहशत के अंदर है कि किस जिस तरह से ये माहौल बनाया जा रहा है, चुनाव जो है पार्लियामेंट के पास आ रहे हैं, तो इस तरह से ये माहौल अगर बनेंगे तो आम आदमी को ही नुकसान होगा, आम आदमी की जान माल जो है वो उसमें खतरे में पड़ेगी। तो वही उस बात का डिस्कशन हम मांग रहे हैं कि भाई आप हमें बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। उस बात से ये भागते नज़र आ रहे हैं स्पष्ट तरीके से, उसको कभी कोर्ट का कोर्ट के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। वो हमने इनको बताया कि जो आप कोर्ट का जो है स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आप कोर्ट ने वो लिया, कोर्ट ने ये थोड़ा कह दिया पूरा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो, कोर्ट ने ऐसे तो कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके बाद भी ये डिस्कशन नहीं होने देना चाहते, इससे स्पष्ट नज़र आता है कि सरकार जो है भाग रही है, उन्हें मालूम है कि कुछ ना कुछ जो है गलत हुआ है। मैडम, संदीप सिंह के मामले में आज सदन में क्या कार्रवाई हुई है? देखो संदीप जी जो हैं मंत्री और उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं, तो जब तक आरोप तय नहीं होते जब तक ठीक है। लेकिन अब चार्जशीट उनके खिलाफ दायर करी गई है, चार्जशीट में स्पष्ट नजर लिखा गया है कि वो उसके अंदर वो है। अब कोर्ट डिसाइड करेगी क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है। अगर जो है वो उन्होंने कोई गलत काम नहीं करा है तो बाइज्जत बरी होकर वापस आएंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। लेकिन राजनीति के अंदर जब आप एक बड़े पद के ऊपर आसीन हो और आपके खिलाफ इस तरह के आरोप लगे हैं और चार्जशीट दायर हो गई है, तो नैतिकता के आधार के ऊपर आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए, या आपको विधानसभा सदन के अंदर तो नहीं कम से कम आना चाहिए और आपको रिज़ाइन भी करना चाहिए। अब वो चीज़ तो हो नहीं रही है, वहाँ बैठे बैठे जो हैं हंस रहे हैं स्माइल कर रहे हैं, सो ये इसका मतलब क्या दर्शाता है कि मतलब किसी भी तरह से अब ये मैसेज ये जाता है कि कोई परवाह इल्ले कि तुम कर लो तुमने जो करना है, हमने तो जो करेंगे हम करेंगे। तो जनता हरियाणा की देख रही है, तो ये ऐसे थोड़ा ये बात जनता जाने देगी। मैडम, आप दिल्ली में डिप्टी स्पीकर भी रहे हो और आप एडवोकेट भी हो, तो क्या ये जो दोनों मामले हैं चाहे संदीप सिंह का हो चाहे नू घटना का हो, क्या मामला सब जुडिस हो तो सदन में चर्चा नहीं की जा सकती? देखो सब जुडिस मामला स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अगर हो तो उसके ऊपर नहीं होती है, गुरेज करना चाहिए उसके ऊपर चर्चा करने से, ये कॉलन चकदर के अंदर है। लेकिन आप उस एक स्पेसिफिक पॉइंट को पूरा बनाकर और कोर्ट का जो है बहाना लेकर उसके पर्दे के पीछे आप छुपने की कोशिश करें वो तो गलत है, वो नहीं हो सकता। कोर्ट ने तो ये तो नहीं कहा कि आप जो ये भाईचारा ख़त्म करा जा रहा है, जो ये हालात बन रहे हैं, जो आज भी जो है ये यात्रा निकाली जा रही है जब उनको वो भी नहीं दिया गया है, परमिशन नहीं दी गई है, और जो हालात जो हुए हैं चाहे किसी तरफ से भी हों किसी भी समुदाय की तरफ से हों, आप जो है कोर्ट ने ये थोड़ा ना कहा है कि ये डिस्कशन सदन के अंदर नहीं हो सकता। लेजिस्लेचर जो है वो प्राइम प्रथम होता है और कोर्ट ने जो कहा है वो स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कहा है, आप जो है उसके ऊपर चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं आपके भय डर है कि सामने असलियत आ जाएगी। ये थी मेरे साथ
पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी, इन्होंने बताया कि आज सदन में क्यों हंगामा हुआ है और क्यों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।